वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं निक। और आज हम जाने वाले हैं तिरुचिरापल्ली से हावड़ा, तिरुचिरापल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में। और वैसे तो मैंने टिकट कटाया था 3 AC में, और मेरे को 2 AC में अपग्रेड हो गया है। तो चलिए देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ खाना था और मुझे मिल गई ये पूड़ी और उसके साथ चिकन। तो काफ़ी अच्छा खाने के बाद फिर मैं गया ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये वाला है हम लोगों का कोच, और मेरे को पहले 25 में टिकट मिला था, फिर आज जब चैट टिकट हुआ तब मेरे को 2 AC में हो गया। वॉशरूम का कंडीशन देख लेते हैं, अभी पानी गिर रहा है, अच्छा है, काफी साफ सुथरा है। ये वाला 2 AC का है और इसमें एसी दिया हुआ है, आज का सफाई अच्छा है, ऊपर लगा हुआ है और हैंड वॉश भी लगा हुआ है। इधर में भी 2 AC का सेम है, बीन दिया गया है, बेसिन काफ़ी अच्छा है, हैंडवॉश दिया गया है, आज का टीम का कोच का भी देख लेते हैं कैसा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सीट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जैसे चार्जर इस साइड में दिया हुआ नहीं है, ये साइड में एक चार्जर पॉइंट है, ये एक माइनस पॉइंट है, बाकी अच्छा है। इसमें तो दोनों तरफ देना होना चाहिए, जैसे कि मेरा भी साइड ओपन में सीट है तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्लास देखने वाले हैं। एक्चुअली कटा हुआ बोगी है, आधा फर्स्ट क्लास है जिसमें 10 ही सीट है। तो दो था चार जन का केबिन और एक था सिंगल जन का केबिन। तो अभी हम लोग सिंगल जन का केबिन में है, तो इसका भी क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छा है, पर वही एक प्रॉब्लम है कि बस एक ही चार्जिंग पॉइंट है, मतलब दो नहीं है। तो बाकी सब कुछ सही है और क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट AC का टॉयलेट का अगर बात करें तो मुझे तो लगा कि जो 2 AC का टॉयलेट था वो सही था, क्योंकि इसमें सिरेमिक का था और इसमें मतलब स्टील का है। तो तिरुचिरापल्ली जंक्शन से 2 मिनट लेट से अभी ट्रेन छोड़ दिया है, तो ट्रेन काफ़ी अच्छा है, क्लीनलीनेस अच्छा है। बस मुझे चार्जिंग पॉइंट का थोड़ा वो लगा, चार्जिंग पॉइंट एटलीस्ट जो साइड अपर साइड लोअर में है उन लोगों के लिए कुछ देना चाहिए था, यहाँ पर वैसे तो एक ही दिया गया है। देखते हैं जर्नी कैसे रहते हैं। लगभग आधा घंटा 35 मिनट से डिले चल रहा है और
और मैंने अभी डिनर ऑर्डर किया डोमिनोज से, तो अभी देखते हैं डिनर कैसा होता है डोमिनोज का। तो आप एंट्री कर रहे हैं तंबाडम जंक्शन, तो देखते हैं अभी डोमिनोज का खाना कैसा होता है। फाइनली मेरा खाना आ गया है। तो मैंने ऑर्डर किया था 3 आइटम, एक मैंने किया था झिंगी पार्सल, एक किया था मैंने वो चिकन विंग्स जैसा कुछ किया था, और उसके साथ मैंने गार्लिक ब्रेड किया था। तो जो गार्लिक ब्रेड था, गार्लिक ब्रेड उतना सही नहीं था, वैसे जो चिकन था और जो झिंगी पार्सल था वो दोनों काफ़ी अच्छा था। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मॉर्निंग हो चुका है। तो कल चेन्नई एयरपोर्ट में 20 मिनट का स्टॉप था, तो हम लोगों का ट्रेन काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, और उसके बाद मैं बहुत ही टायर्ड था तो मिसले में जल्दी सो गया था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं वाइजाक में, विशाखापट्टनम में। तो अभी यहाँ से मेरा खाना बुक है, क्योंकि मेरे को कुछ खाना था और मुझे पता है कि वाइजाक के बाद हार्डली कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पर मेरे को अच्छा खाना मिल सकता है। तो फाइनली मैंने ये वाला खाना लिया था। तो आप लोग भी अगर इस ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप वाइजाक से खाना ऑर्डर कर सकते हो, या फिर वाइजाक से कोई खाना ले सकते हो, क्योंकि वाइजाक एक बड़ा स्टेशन है। और इसके बाद विजयनगरम आता है, फिर पलासा आता है, फिर आपको बहरमपुर आता है, ऐसा स्टेशन वगैरह तो मिलेगा, पर बहुत अच्छा खाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इससे सबसे अच्छा है कि आप वाइजाक से खाना ले लो और फिर भुवनेश्वर या कुर्दा रोड में जाके खाना का प्लान बनाओ। तो ऐसा प्लान करोगे तो सही रहेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट खाना का बुकिंग है वो भी मैं कुर्दा रोड से करके रखा हूँ। तो 6-7 घंटे बाद जब मैं वहाँ पर फाइनली पहुँच जाऊँगा तब मेरा थोड़ा खाना भी ठीक से आ जाएगा और वैसे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो वाइजाक में मैं बहुत दिन रहता था, तो इसलिए वाइजाक मेरा सेकेंड होम जैसा है, तो काफ़ी मिस करूँगा, पर कुछ नहीं कर सकते। अभी घर वापस जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप करने का कोई टाइम नहीं था, पर वाइजाक मेरा बहुत ही क्लोज टू हार्ट है।
अभी फूड आ गया है खुदा रोड जंक्शन से। इसमें जीरा राइस है, पनीर का तरकारी है, फिर छोले हैं, दाल है, कर्ड है, उसके साथ पापड़ है, सलाद है और उसके साथ बटर रोटी है। तो खुर्दा स्टेशन जाने के बाद मैंने खाना खाने के बाद मैंने एकदम सो गया था और फिर मैंने खड़गपुर में जाके उठा था। और अभी हम लोगों का ट्रेन खड़गपुर में भी छूट रहा है, हम लोगों का ट्रेन अभी टाइम पे है और खड़गपुर अभी क्रॉस कर रहा है, तो होपफुली एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे कोलकाता में। तो यहाँ पे एक मज़े का चीज़ हुआ, ये जो मग है ये मग चेन से बंधा हुआ है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हावड़ा स्टेशन में। ऐसे जर्नी काफ़ी अच्छी थी, ट्रेन का क्लीनलीनेस एकदम लाजवाब था। फूड का थोड़ा सा इशू था, फूड थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, पर अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। और 3AC 2AC और फर्स्ट क्लास का जो बाथरूम का क्लीनलीनेस था एकदम मतलब हद से बढ़ के सर्विस था। मतलब हर एक बड़ा स्टेशन में आके वो लोग क्लीन कर रहे थे, शीशा को क्लीन कर रहे थे। तो आप लोग अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, एसी में ट्रैवल करते हो, ये तो मतलब फॉर श्योर है कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरे को जो चीज़ अच्छा नहीं लगा वह चार्जिंग पॉइंट का, चार्जिंग पॉइंट खाली एक था, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगा। तो अभी मैं फाइनली कैब में हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर एयरपोर्ट की तरफ है, तो मैं हावड़ा से निकलने के बाद मेरे को ओला कैब मिल गया था। मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था तो मेरे को आराम से मिल गया था, ज़्यादा हैरानी तो नहीं हुआ था। अब आप लोग जब भी हावड़ा से, अगर आप लोगों को टैक्सी वगैरह पकड़ना होगा तो हावड़ा से आप स्टेशन से निकलने के बाद एकदम अपोजिट में जहाँ पर नया प्लेटफॉर्म है उसका एकदम अपोजिट में एक आपको बड़ा वाला फ्लैग दिखेगा, तो फ्लैग के सामने आपको पार्किंग स्पॉट होगा, वहाँ तक जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको टैक्सी वगैरह बुक करना होगा। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।